शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान इस समय जेल में अपनी रिहाई के लिए कर रहे हैं आरती, साथ ही वो दूसरी ओर भगवान राम और सीता की कहानियों पर बेस्ड पुस्तकें भी पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे पिछले 3 हफ्तों से ड्रग्स केस के चलते मुंबई के अर्थर रोड जेल में बंद हैं और अभी तक उनकी जमानत याचिका को 2 बार खारिज भी किया जा चुका है। आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक शाहरुख के लाडले जेल में काफी ज्यादा परेशान हैं। जब बॉलीवुड के किंग खान मुलाकात के लिए जेल में गए तो आर्यन पूरी तरीके से सिर्फ रो रहे थे। वहीं अर्थर रोड जेल के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आर्यन जेल में लाइब्रेरी से किताब लेकर पढ़ रहे हैं और हाल ही में उन्होंने 2 किताबें ली हैं जिनमें से एक गोल्डन लायन है और दूसरी किताब भगवान राम और सीता की कहानियों पर बेस्ड है। HT की रिपोर्ट के मुताबिक आर्यन जेल में रोज होने वाली संध्या आरती में भी शामिल होते हैं और उनकी परेशानी को देखते हुए जेल के कर्मचारियों ने आर्यन को सुझाव दिया कि लाइब्रेरी में से अपने मनपसंद की किताबें पढ़कर अपना समय गुजार सकते हैं। आपको बता दें कि जेल की लाइब्रेरी में कई धार्मिक और मोटिवेशनल किताबें मौजूद हैं जिसे पढ़कर आर्यन अपना समय गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और भी ज्यादा वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।